हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे Zenfone 2 का, जो कि एक एंड्रॉयड फ़ोन है और बहुत ही जल्दी इंडिया में आने वाला है। 23 तारीख को इस फ़ोन का लॉन्च है इंडिया में और हमारे पास Zenfone 2 4GB वेरिएंट है जिसमें 4GB की रैम है। ये पहला एंड्रॉयड फ़ोन होगा इंडिया में आने वाला जिसमें 4GB की रैम आपको मिलेगी और इतनी रैम के साथ आप सारे गेम बहुत ही आसानी से स्मूथली इसमें खेल सकते हैं। किसी भी तरह का इशू इस फ़ोन में आपको नहीं आएगा। इस फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव UI है। एंड्रॉयड लॉलीपॉप इसमें आपको प्री लोडेड मिलेगा, जो कि और भी अच्छी बात है। 5.0.2 जो कि लेटेस्ट वर्जन है आपको इसमें मिलेगा। इसके साथ ही आपको इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जो कि एक अच्छा कैमरा है। फ़ोटोज़ की क्लैरिटी अच्छी है, लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल फ़ोटो की क्लैरिटी बढ़िया है और हाई डेफिनेशन वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है और उससे आप अच्छी फ्रंट कैमरा सेल्फी फ़ोटोज ले सकते हैं, चाहे आप लो लाइट में ले या फिर आप डे लाइट में ले। तो जो कि UI है, UI काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और स्मूथ है। अगर हम गेमिंग की बात करें तो गेमिंग इस फ़ोन की बढ़िया है, आप इसमें किसी भी तरह के हाई डेफिनेशन गेम्स खेल सकते हैं। 4GB रैम मॉडल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है, हालांकि ये थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा मार्केट में। तकरीबन 18,000 से 20,000 रुपये इसकी प्राइस होने वाली है अगर हम 4GB रैम मॉडल की बात करें। और अगर हम बात करें 2GB रैम मॉडल की, जो कि आएगा Asus Zenfone 2 का, वो आपको तकरीबन 15,000 से 16,000 रुपये में मिलेगा। और ये फ़ोन उस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा फ़ोन है अगर आप लेना चाहें तो। फ़ोन का डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है, इस बार 5.5 इंच का डिस्प्ले है, जो कि बड़ा है अगर आप कंपेयर करें Zenfone 5 से, जो कि इसका पिछला जनरेशन फ़ोन था। अगर हम बात करें फ़ोन की कॉल क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी की, तो बढ़िया है। लाउड स्पीकर लाउड है, बहुत लाउड नहीं है लेकिन डिसेंटली लाउड है। किसी भी तरह का इशू आपको इसमें फ़ोन में नहीं आएगा। डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, कलर प्रोडक्शन भी अच्छा है। अगर हम इस फ़ोन की कुछ कमियों की बात करें तो फ़ोन थोड़ा सा भारी रहेगा, थोड़ा सा बल्की रहेगा, लेकिन पीछे का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। उन्होंने प्लास्टिक का बैक कवर दिया है लेकिन इसमें मेटल फिनिश दिया है, ताकि आपको एक प्रीमियम लुक इस फ़ोन में मिले। अगर हम इसे फ़ोन की एक और कमी के बारे में बात करें, वो रहेगी इसकी पावर बटन, जो कि टॉप पे है, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्सेस करना कभी कभी। इस फ़ोन में डबल टैप टू वेकअप भी है, डबल टैप टू स्लीप भी है, लेकिन वो कभी कभी काम नहीं करता है। तो ये कुछ कमियां हैं इसकी, बट ओवरऑल ये फ़ोन बढ़िया है। अगर आप इसे लेना चाहें तो ये फ़ोन एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, अगर जो प्राइस सेगमेंट इसका रहेगा 18 से 20 हज़ार या फिर 15 से 16 हज़ार 2GB रैम के लिए। तो इसी के साथ हम इस रिव्यू को समाप्त करते हैं। अगर आपके किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन क्वेश्चंस को इस वीडियो के नीचे छोड़ सकते हैं और हम जल्द से जल्द उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।